जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, फ्री में IAS PCS की कोचिंग कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा OBC, SC और ST कैंडिडेट के लिए अलग से एक योजना चलाई जाती है, जिसके थ्रू वो एक एग्ज़ाम कराता है, साल में एक बार हर साल कराता है। उस एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, उनको फ्री में रहने खाने और पढ़ने की पूरी सुविधा सरकार कराती है। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कितने सीटें कहाँ पे किस ज़िले में आपकी आपको रहने के लिए मिलेगा, वहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके कोई भी नोटिस आपसे मिस ना होने पाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2023। थोड़ा पेन लेने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। एवं PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पूर्व अनुसूचित जाति यानी कि SC, तो SC बोला जाता है, और ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु सूचना, ये OBC होता है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न कोचिंग केंद्रों में IAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पूर्व कोचिंग हेतु हर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों मेरिट के आधार पर होता है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी साइज कम थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर कम करता हूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। इस करता हूँ, यहाँ पे सीधे 100 से सीधे 200 जूम होता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। मेरिट के आधार पे होता है, आपको परीक्षा कराई जाती है। देखिए यहाँ पे, छत्रपति साहू जी महाराज सहोदय प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका एक लखनऊ में है और एक लखनऊ में यहाँ पे है अलीगंज में ही, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। ये केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाओं के लिए यहाँ पे दो दिया गया है, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पे IAS PCS कोचिंग सेंटर हापुड़ में है। सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, लखनऊ में 250 है, उसके बाद ये महिलाओं के लिए 150 है, यहाँ पे फिर हापुड़ में 200 है, वाराणसी में 100 सीटें हैं, और यहाँ पे आगरा में 100 सीटें हैं, उसके बाद अलीगढ़ में 100 सीटें हैं, प्रयागराज में 50 सीटें हैं, और गोरखपुर में आपकी 100 सीटें हैं। तो इस तरह से इतनी टोटल यहाँ पे सीटें हो जाती हैं, जिनके थ्रू आपका एडमिशन वहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे दे रहा है, नोट महिला के लिए है, महिला अभ्यर्थी है तो केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ एवं ISPCS कोचिंग हापुड़ में सुविधा उपलब्ध है। दो ही जगह पे महिलाओं के लिए है, बाकी सब जगह पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, SC, ST पुरुषों के लिए आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में ही महिलाओं की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग स्नातक उत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे दिया है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है, जिनके पास ग्रेजुएशन रहता है और वो इसमें भाग लेते हैं और उनको वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उनको निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है उक्त कोचिंगों में। और ये प्रशिक्षण की अवधि जो होती है, 10 महीने की होती है, 10 माह की अवधि होती है। प्रवेश परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न रखे जाते हैं, इसमें सिर्फ GS का रहता है क्वेश्चन। प्रवेश परीक्षा में यहाँ पे संभावित तिथि आपको देखने को मिल रही होगी, 18 दिसंबर 2022। प्रवेश परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम विभागीय वेबसाइट www.socialwelfare.upsdc.gov.in इस पर आपका उपलब्ध होगा। हम अभी आपको ले चलेंगे इस वेबसाइट पे, फॉर्म भर के दिखाएंगे। अगर इस वीडियो में होगा संभव तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशल फॉर्म भरने का ले आऊँगा, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। देखिए यहाँ पे स्थायी निवासी आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ये SC, ST और OBC के, और उसके साथ साथ उसके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे। और मिनिमम एज आपकी 21 साल यहाँ पे पूरी होनी चाहिए, 21 साल के अगर नहीं है तो आप फॉर्म इसको नहीं भर सकते।
1 जुलाई 2023 को आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अभ्यर्थी के माता पिता आपकी सभी वार्षिक स्रोतों से आय, यहाँ पे देखिए 6 लाख रुपए से कम आपकी आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल से पुराना ना हो। देखिए ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। और अभ्यर्थी किसी शासकीय अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत ना हो, यानी आप कहीं भी गवर्नमेंट कोई एम्प्लाई नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ जो बेरोजगार कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अभ्यर्थियों के सिविल सेवा परीक्षा के आधारभूत कोर्स के प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 2 अवसर मिलेंगे। कोई छात्र पूर्व में 2 बार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है तो वो इस परीक्षा में पात्र नहीं होगा। बस बाकी चीज़ें यहाँ पे हैं, सब कुछ मैं फॉर्म में आपको सब दिखाऊंगा क्या क्या लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट की बात कर लेते हैं, तो ये 10 नवंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2022 तक चलने वाला है। वेबसाइट आपकी यही है, यानी यहाँ पे टोटल 20 दिन का आपको समय देखने को मिलेगा। यहाँ पे 20 डे का आपका समय मिलने वाला है, इसी में आपको फॉर्म भरना है। इस विशेष प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रमुख रूप से कोचिंग अलग से प्रदान की जाती है, संयुक्त रूप से दोनों की एक ही में। कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कोचिंग सत्र माह जनवरी से शुरू होगा, देखिए जनवरी के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना संभावित है। प्रवेश पत्र परीक्षा 1 सप्ताह पूर्व वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में परिणाम संबंधित सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे दी जाएंगी। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपके यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं इस फॉर्म को लेकर। बाकी की चीज़ें हम कैसे फॉर्म भरना है वो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और बाकी रह गई थी बताने के लिए, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे 8 सेंटर दिए गए हैं, इसमें से कोई आपको एक चूज करना होता है जब आप फॉर्म भरते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपको नियरेस्ट जो भी लगे, जहाँ पे आप फिलहाल जाके रहने के लिए तो आप कहीं भी रह सकते हैं, सीट आप देख लीजिए, आप जिस रीजन में आप रहते हैं उस हिसाब से आप सीट यहाँ पे अपना सेंटर चुन सकते हैं। बाकी फॉर्म कैसे भरना है हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा होगा। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके जस्ट बाद ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाएंगे, जिससे कि एक ही वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो समझ में आ जाए। ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।